वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक पकड़ा है उसमें हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको कवर करेंगे, और ये काफ़ी लेंथी चैप्टर था और इसमें तकरीबन मोर देन 40 पेजेस हैं, और इसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना, इट इज़ ए लेंथी ट्यूटोरियल। तो मैंने इसको पार्ट्स में किया है। आज मैं सिर्फ आपको पार्ट वन के ऊपर ही फोकस करूँगा, और इसमें मीनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होता है क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं, एंड डायनेमिक नेचर केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर किसको कहते हैं, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के टाइप्स क्या हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, सॉलिड से वेपर विद देयर एग्जाम्पल एंड देयर फार्मूलाज, एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के सी अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, और उसका रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर के पी, के पी इक्वल टू के सी आर टी माइनस टू, ये हम रिलेशन ड्राइव करेंगे। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे, एंड रिएक्शन क्यूशेंट क्यू सी क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन के इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, रिएक्शन क्यूशेंट, गिब्स एनर्जी एंड ली चिट्रियर प्रिंसिपल, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया था। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप यू विल पार्टिसिपेट वेल इन दिस लेंथी ट्यूटोरियल एंड यू विल अप्रिशिएट द एफर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमरस बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस। ज़िंदगी में इक्विलिब्रियम का काफ़ी रोल है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी और केमिकल्स भी आपको इन्वायरमेंट में नज़र आती है। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं एंड प्रोटीन हीमोग्लोबिन है, इसका काफ़ी क्रूशल रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू द मसल्स। हीमोग्लोबिन आपके आरबीसीज में होती है तो उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, सो काफ़ी रोल प्ले करती है, और उसकी जो एसोसिएशन इक्विलिब्रियम में बनी रहती है वो सिमिलर इक्विलिब्रियम जो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं हीमोग्लोबिन उसका भी है। टॉक्सिसिटी लेवल, अगर हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाए तो टॉक्सिसिटी आ जाती है, सफोकेशन से डेथ हो सकती है। तो ये बायोलॉजिकल एग्जांपल से शो किया हुआ है, मैं ऑलरेडी ये बोहर एंड हाल्डन फैक्ट के थ्रू करवा चुका हूँ। और बिन लिक्विड वेपराइज, जब लिक्विड के वेपर बन जाते हैं क्लोज कंटेनर में तो मॉलिक्यूल विद रिलेटिवली हायर कनेटिक एनर्जी स्केप कर जाते हैं लिक्विड सर्फेस इंटू वेपर से फेस, एंड द नंबर ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम द वेपर फेज स्ट्राइक टू द लिक्विड सर्फेस एंड रिटेन्ड इन द लिक्विड फेज, यानी जिसकी कनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो सरफेस से निकल के ऊपर कंटेनर की बाल पर लग जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, फिर वो दोबारा वापस आ जाते हैं। सो इट गिव राइज टू कॉन्स्टेंट वेपर प्रेशर बिकॉज द इक्विलिब्रियम इन विच द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल लिविंग द लिक्विड इक्वल नंबर ऑफ रिटर्निंग। तो इसमें एक प्रेशर बैलेंस बन जाता है, इक्विलिब्रियम जितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल वापस आ रहे हैं, तो इसको यहाँ समझा जा सकता है। तो ये एक इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। हाउएवर दिस इज़ नॉट ओनली द स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन द बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। सो द रेट ऑफ वेपोरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है वेपर द्वारा होकर फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसमें रेट इक्वल होना जरूरी है। सो डबल हाफ एरो जहाँ जो शो किया हुआ है ये क्या बताता है, डायरेक्शन है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्टेंट इन इक्विलिब्रियम जो है इसको इक्विलिब्रियम मिक्सचर का नाम देते हैं जो बन जाता है। इक्विलिब्रियम जो है इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है बहुत फिजिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल में, द रिएक्शन मे बी फास्ट और स्लो डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। सो व्हेन द रिएक्टेंट इन क्लोज वेसल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट, द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग वाइल दोज ऑफ प्रोडक्ट इनक्रीजिंग ऑफ द सम टाइम आफ्टर विच देर इज़ नो चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दिस इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली जो रिएक्टेंट कम होता जाता है प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, फिर ऐसी स्टेबिलिटी आ जाती है जिस टाइम पे रिएक्शन रुक जाता है उसमें ना तो रिएक्टेंट की कमी आएगी, ना कम होगा, ना तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो डैट इज़ कॉल्ड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जहाँ पर इक्वल हो जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड वन सेकेंड, यहाँ से आप देख सकते हो तो इक्वल हो जाता है, एंड दिस इज़ ड्यू टू द डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट एंड देर इज़ नो चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज।
तो केमिकल में हो रहा है तो इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इसको थ्री कैटेगरी में देख सकते हैं, रिएक्शन डैट प्रोसीड नियरली टू कम्प्लीशन एंड ओनली नेग्लिजिबल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। कुछ जो कई बार बच जाता है कंसनट्रेशन, एक तो ऐसा हो जाता है, इट मे नॉट बी इवन पॉसिबल टू डिटेक्ट एक्सपेरिमेंटली, यानी जो नेग्लिजिबल रिएक्टेंट बच जाता है उसको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड, जो रिएक्शन है इन विच ओनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट मेन अनचेंज। कई बार थोड़ा सा प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट ज़्यादा बचा रहता है। तीसरी स्टेज आती है जो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो कंपेरेबल हो जाती है एंड वेन देयर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो तीन तरह से इक्विलिब्रियम आता है। तो जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, जो उसका एक्सटेंट है वो बेरीज करता है विद द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एज अ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, डेट इज़ ऑप्टोमाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल कंडीशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी सो डैट द इक्विलिब्रियम इज़ फेवरेबल इन द डायरेक्शन ऑफ डिज़ायर प्रोडक्ट। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके ऊपर जो इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है, यानी उसमें टेम्परेचर क्या, कंसनट्रेशन क्या, अदर जो आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, तो दैट्स द यू मे कॉल द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेसेस में जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, सॉलिड से गैस बन रहा है, तो फिजिकल जिसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं टूटते फिजिकल प्रोसेसेस, उसको फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। आइस एंड वाटर कीप ऑन परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में रखे हैं, नो एक्सचेंज बिटवीन हीट ऑफ कंटेंट सराउंडिंग में। फ्लास्क में आपने आइस डाल दी, उसमें हीट चेंज नहीं हो रही। एंड एट 273, सो इसमें अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, 273 टेम्परेचर जो है एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है, एंड द सिस्टम शो इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो आप देखते हो मास ऑफ जो आइस एंड वाटर है डोनो चेंज विद टाइम एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। हो एवर इक्विलिब्रियम इज़ नॉट स्टैटिक, द इंटेंस एक्टिविटी कैन बी नोटिस्ड एट बाउंड्री बिटवीन आइस एंड वाटर। सो मॉलिक्यूल फ्रॉम लिक्विड वाटर कोलाइड अगेंस्ट आइस एंड अडर इट, एंड सम मॉलिक्यूल ऑफ आइस जो हैं एस्केप कर जाते हैं लिक्विड फेज में। सो देर इज़ नो चेंज ऑफ मास ऑफ आइस एंड वाटर एज अ रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द आइस इन टू वाटर एंड अ रिवर्स ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू आइस आर इक्वल। तो यहाँ पे 273 पे चलता है। तो यानी कुछ मॉलिक्यूल पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं आइस में, और इसमें एक इक्विलिब्रियम स्टेट बनी रहती है, यानी इस कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। सो इट इज़ ऑब्वियस डैट आइस एंड वाटर जो हैं आर इन इक्विलिब्रियम ओनली एट पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर। फॉर एनी प्योर सब्सटांस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटांस। सो द सिस्टम देर इज़ ए डायनमिक इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम होता है बट फिर भी कोलिजन्स वगैरह जो हैं चली रहती हैं। सो बोथ द अपोजिंग प्रोसेसिस अकर साइमल्टेनियसली, बोथ प्रोसेसिस अकर एट सेम रेट सो डैट द अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर मेन कॉन्स्टेंट। सो इसमें स्टैट नहीं आ जाता, डायनमिक चला रहता है, कुछ आइस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे आता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सो ये जो इक्विलिब्रियम है कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ़ वी कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसपेरेंट बॉक्स कैरिंग ए यू ट्यूब विद द मर्करी मैनोमीटर एंड ड्राइंग गेस्ट विद एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये आपको सेटअप याद रखना है। सो इसको प्लेस किया गया है फ्यू आवर इन द बॉक्स, आफ्टर रिमूविंग इट द ड्राइंग अगेंस्ट बाय टिल्टिंग द बॉक्स ऑन साइड एंड ए वॉच ग्लास और द पैटरी डिश कंटेनिंग वाटर इज क्विकली प्लेस्ड इन साइड द बॉक्स। इट विल ऑब्जर्व डैट द मर्करी लेवल इन द राइट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर स्लोली इंक्रीज एंड फाइनली अटेन करता है कॉन्स्टेंट वैल्यू, डैट इज द प्रेशर इन साइड द बॉक्स इंक्रीज एंड रिचिज से कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉच ग्लास डिक्रीज कर जाता है। इनिशियली देर इज नो वाटर वेपर और वेरी लेस इन साइड द बॉक्स, एज द वाटर वेपरेट हो जाता है प्रेशर इन द बॉक्स इंक्रीज करता है ड्यू टू एडिशन ऑफ द वाटर मोलिक्यूल। सो ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। एंड
इन टू द गैसियस फेज इन साइड द बॉक्स एंड द रेट ऑफ वेपोरेशन जो इसमें कॉन्स्टेंट है, हुएवर द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्रेशर डिक्रीज विद टाइम ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ द वेपर एंड वेपर को जो है पानी में कंडेंस हो जाते हैं, फाइनली लीड टू एन इंक्रीज इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन देयर इज नो नेट वेपोरेशन। दिस इंप्लाइड दैट द नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द गैसियस स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट आल्सो इंक्रीज टिल द इक्विलिब्रियम अटेन। सो द रेट ऑफ वेपोरेशन जो है इसमें इक्वल टू कंडेंसेशन हो जाता है। सो एट द इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो प्रेशर जो एग्जर्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एट गिवन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है एंड इसको इक्विलिब्रियम जो एंड इट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज विद टेम्परेचर। इफ वब एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाए विद मिथाइल अल्कोहल एसीटोन एंड ईथर, इसको देखा जाता है डिफरेंट लिक्विड हैव द डिफरेंट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर एंड द लिक्विड विच हैव द हायर वेपर प्रेशर इज मोर वोलेटाइल देन हैज़ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको याद करना होगा यहाँ पे, यानी अलग अलग जब आप यूज़ करोगे यहाँ पे तो आपको अलग अलग पता चल जाएगा। तो अलग अलग जो आपके लिक्विड्स होते हैं उसके अलग अलग प्रॉपर्टी, उसका अलग अलग इक्विलिब्रियम है। सो इफ़ वी एक्सपोज थ्री वाच ग्लासेस कंटेनिंग सेपरेटली 1 ml ऑफ द एसीटोन इथाइल अल्कोहल एंड वाटर टू द एटमोसफियर एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन ए वार्मर रूम, इसको रिपीट करोगे आपको पता चलेगा डैट इज़ इन ऑल आपको यहाँ पे सच केसेस द लिक्विड इवेंचुअली डिसअपेयर एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वेपोरेशन नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। बाच ग्लास में आपने 3 लिक्विड रखे हैं तो उसकी जो पूरी तरह से इसको ख़त्म करना इसमें वेपर हो जाता है, एक तो आपको नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा लिक्विड के ऊपर कितनी अमाउंट है टेम्परेचर। सो वेन द वाच ग्लास इज ओपन टू एटमोसफियर द रेट ऑफ वेपोरेशन रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है अगर आप नॉर्मल रखोगे एंड डिसअपेयर हो जाता है इनटू लार्ज वॉल्यूम एट द रूम। एज द कंसिक्वेंस द रेट ऑफ द कंडेंसेशन फ्रॉम द वेपर टू लिक्विड स्टेट इज मच लेस देन द रेट ऑफ वेपोरेशन। सो दीज आर द ओपन सिस्टम एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच इक्विलिब्रियम इन ओपन सिस्टम, जहाँ ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है जल्दी। वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम पोजिशन एट एटमोस्फेरिक प्रेशर आपको पता ही है एट 100 degrees इन क्लोज वेसल। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 and 1.013 bar प्रेशर फॉर एनी प्योर लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर जितना है द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। इट डिपेंड ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस एंड द एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, ये भी मैंने आपको करवाया है किसी वीडियो में केमिकल कनेटिक्स में करवाया था। तो ये यहाँ देख सकते हो मीरिंग द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये एक सेटअप लगा हुआ है, इसमें मैंने हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ये वाटर की डिश है, तो यहाँ से बैरोमीटर लगा है इसमें प्रेशर कैसे कम या ज़्यादा होता है। सो कहने की बात है जो लिक्विड एंड वेपर प्रेशर है इसमें बॉइलिंग पॉइंट आपका काम करता है, तो अलग अलग जो लिक्विड्स हैं उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। आगे आता है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। लेट अस कंसीडर द सिस्टम वेयर द सॉलिड सब्लिमाइज टू वेपर, कई बार सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। इफ वी प्लेस द सॉलिड आयोडीन इन द क्लोज वेसल आफ्टर सम टाइम द वेसल गेट फिल्ड विद द वायलेट वेपर एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज विद टाइम। अगर आपने क्या किया है सॉलिड आयोडीन को अगर आपने क्लोज वेसल में रखा है थोड़ी देर बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे वायलेट वेपर नज़र आएंगे, धीरे धीरे वो फिल हो जाएगा। आफ्टर सर्टेन टाइम द इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है कॉन्स्टेंट हो जाती है, फिर उसके बाद कलर नहीं आता है, हैंस द सॉलिड आयोडीन सब्लिमाइज हो गई है, फिर उसके आयोडीन वेपर बन गया है एंड आयोडीन वेपर कंडेंस हो जाते हैं फिर उसके बाद सॉलिड बन जाती है, यानी कंडेंस कर दे फिर सॉलिड बन जाएगा जैसे वाटर वेपर से लिक्विड बन जाता है। सो इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड आयोडीन सॉलिड आयोडीन वेपर। अदर एग्जाम्पल इसमें है कैम्फर है और अमोनियम क्लोराइड है, ये भी सब्लिमाइज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड ऑफ गैस और गैस इन लिक्विड। अब डिसोल्यूशन करवानी है, हमने डिसॉल्व करना है सॉलिड को लिक्विड में, फर्स्ट इसमें भी इक्विलिब्रियम आता है
So if we know that from our experience that we can dissolve only a limited amount of salt or sugar in a given amount of water at room temperature. If we make a thick sugar syrup solution by dissolving sugar at higher temperature, sugar crystals separate out. If we cool the syrup at the room temperature, we call it the saturated solution. Then no more solute can be dissolved in the solvent. Yeh aapko pata hai, solution ka padha hai apne. तो आप सोल्यूशन नॉर्मली पानी साल्ट सोल्यूशन बनाना है, शुगर घोलनी है आपने, तो नॉर्मली नहीं हो सकता, आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा. सो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सैचुरेटेड जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर. जो मैक्सिमम गाढ़ा सोल्यूशन बना दिया जैसे सिरप बना दिया चाशनी की तरह, तो वो टेम्परेचर के डिपेंड करती है. इन सैचुरेटेड सोल्यूशन तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है, इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल एंड सॉलिड स्टेट एंड द सोल्यूशन, शुगर से शुगर सॉलिड. एंड द रेट ऑफ डिसॉल्यूशन शुगर, रेट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो इक्वालिटी ऑफ द टू रेट ऑफ द डायनेमिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर, उससे पता किया गया. इफ़ वी ड्रॉप सम रेडियो एक्टिव शुगर इन टू सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव शुगर, देन आफ्टर सम टाइम द रेडियो एक्टिविटी इज ऑब्जर्व बोथ इन सोल्यूशन एंड इन द सॉलिड शुगर. इनिशियली देर इज नो रेडियो एक्टिव शुगर मॉलिक्यूल इन द सोल्यूशन, बट ड्यू टू डायनेमिक नेचुरल इक्विलिब्रियम देर एक्सचेंज बिटवीन द रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव शुगर मॉलिक्यूल. सो द रेशियो ऑफ रेडियो एक्टिव टू नॉन रेडियो एक्टिव इन सोल्यूशन इनक्रीज टिल इट अटेन ए कॉन्स्टेंट वैल्यू. तो यहाँ पे देखा गया है जो शुगर मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन यूज करके यहाँ एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन भी किया गया है कैसे ये क्रिस्टलाइजेशन का यहाँ आपका इक्विलिब्रियम बनता है. आगे गैस इन लिक्विड, अब गैस को लिक्विफाई करना या गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना है, जैसे सोडा वाटर बोतल को ओपन करो तो काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजोल्व है इन इट फीज आउट बाहर निकलती है. फिनोमिना अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर, अलग अलग प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग सॉल्व होती है. देर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द मॉलिक्यूल इन गैसीय स्टेट एंड द मॉलिक्यूल डिजोल्व इन लिक्विड अंडर प्रेशर. सो दिस इक्विलिब्रियम गवर्न बाय हेनरी लॉ. वो क्या कहता है, विच स्टेट दैट द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है ऑफ गैस अबाव द सॉल्वेंट, किस प्रेशर के ऊपर आप गैस को सॉलिड में डाल रहे हो. दिस अमाउंट डिक्रीज करती है विद इंक्रीज टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है. सो द सोडा वाटर है बोतल को सील किया गया अंडर प्रेशर एंड गैस बिन इट्स सॉल्युबिलिटी इसमें हाई है. एज सून एज बोतल को ओपन किया जाता है सम ऑफ डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाती है, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है ऑफ लोअर प्रेशर. तो इस इज़ द पार्शियल प्रेशर इन द एटमोसफियर, दिस इज लो इन द सोडा वाटर इन द बोतल लेफ्ट ओपन एंड फॉर सम टाइम टर्न फ्लैट इट कैन बी जर्नलाइज. आप इसको देख सकते हो सॉलिड से लिक्विड इक्विलिब्रियम है. देर इज ओनली वन टेम्परेचर दैट इज मेल्टिंग पॉइंट 180 प्रेशर है एट विच टू फेजिस कोएग्जिस्ट. सो इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग द मास ऑफ द टू फेज रिमेन कॉन्स्टेंट. दूसरा है फॉर लिक्विड से वेपर, सो द वेपर प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एट गिवन टेम्परेचर. थर्ड है फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी इज कॉन्स्टेंट एट गिवन टेम्परेचर. For dissolution of the gas in liquid, the concentration of gas in liquid is proportional to the pressure for gas over the liquid. So the observation आगे summarize किया गया है, यहाँ देख सकते हो process है और इनका conclusion है. यहाँ लिखा है liquid से vapor, पानी से liquid से gas बन रही है water की, तो इसमें conclusion है partial pressure जो है constant given temperature. फिर solid से liquid, पानी सॉलिड है फिर लिक्विड बन रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर, फिक्स करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए. सॉल्यूट से सॉल्यूट सॉल्यूशन, तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर. गैस से एक्वस में, गैस एक्वस गैस का इक्विलिब्रियम है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर. कार्बन डाइऑक्साइड गैस से एक्वस, तो इसका एक इक्विलिब्रियम. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ता है. तो आगे आपके पास है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इवॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, क्या क्या उसके फीचर होते हैं. इक्विलिब्रियम जो है पॉसिबल है ओनली इन ए क्लोज सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर, यानी इक्विलिब्रियम के लिए ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम नहीं देख सकते. बोथ अपोजिंग प्रोसेस अकर एट सेम रेट एंड देयर इज अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन. ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट.
When the equilibrium is attained for physical processes, it is characterized by a constant value of one of its parameter given at a temperature. तो यह से टेबल 7.5 पर मैंने आपको दिखाया है, इसमें ये क्वांटिटी आपने देखनी होती है. मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी एट ए गिवन स्टेज इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द फिजिकल प्रोसेस हैज़ प्रोसीड बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम से पहले कितनी उसका रेट है, क्या रहा है, वो सारा देखते हैं. तो ये जो पैरामीटर है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये मैटर करते हैं. आगे है इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस. ये फिजिकल था, केमिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एनालॉगस टू फिजिकल सिस्टम द केमिकल जो रिएक्शंस हैं आल्सो अटेन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो रिएक्शन जो अकर इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. जैसे आप देखें ए बी से सी डी बन रहा है, तो विद पासेज ऑफ टाइम देर इज़ अकमोलेशन ऑफ प्रोडक्ट सी डी एंड डिप्लीशन ऑफ ए बी. यानी सी डी प्रोडक्ट अकोमोलेट हो रहा है, जो ए बी डिसअपेयर होता है. इससे डिक्रीज इन रेट क्या होता है, दिस लीड टू डिक्रीज इन रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन. तो ऐसा भी आ जाता है. इवेंचुअली जो टू रिएक्शन है अकर एट सेम रेट एंड द सिस्टम रीचेज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो कई बार ऐसा रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम आ जाता है. सो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन सेम हो जाएगा. तो ये लिखा है, ये ए बी रिएक्टेंट है, डिक्रीज हो रहा है, इससे टाइम से सी डी इंक्रीज कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम है. सो सिमिलरली द रिएक्शन जो है कैन रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इवन इफ वी स्टार्ट ओनली सी एंड डी एंड बट दैट इज़ नो ए एंड वी बींग प्रेजेंट इनिशियली. वो सी डी से स्टार्ट करें, वी प्रेजेंट नहीं है, एज इक्विलिब्रियम कैन बी रीच फ्रॉम आइदर डायरेक्शन. यानी आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी जा सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों से देख सकते हो. सो डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है. अगर आपने अमोनिया हैबर प्रोसेस से बनाना है तो हैबर जो है स्टार्टेड विद नॉन अमाउंट ऑफ द डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन मेंटेन एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एट रेगुलर इंटरवल डिटरमिन इन अमाउंट ऑफ द अमोनिया प्रेजेंट. यानी इसका प्रेशर अमोनिया की अमाउंट डिटरमिन कर देता है. ही वॉज सक्सेसफुल इन डिटर्मिंग ऑल्सो द कंसनट्रेशन ऑफ अनरिएक्टेड डाई हाइड्रोजन एंड डाई नाइट्रोजन. आगे आप देखोगे तो इससे आपको पता चलता है दैट सर्टेन टाइम द कंपोजिशन मिक्सचर रिमेन द सेम इवन थ्रू द सम ऑफ द रिएक्टेंट आर स्टिल प्रेजेंट. सो दिस कॉन्स्टेंसी इन द कंपोजिशन हमें इंडिकेट करती है डैट द रिएक्शन हैज रीच इक्विलिब्रियम. इन ऑर्डर टू अंडरस्टूड द डायनेमिक नेचर ऑफ द रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज कैरीड आउट विद एग्जैक्टली सेम स्टार्टिंग कंडीशन. जैसे पार्शियल प्रेशर एंड टेम्परेचर वट यूजिंग डी टू जो ड्यूटीरियम है हाइड्रोजन की तरह यूज़ करेंगे, आगे हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम यूज़ करेंगे तो रिएक्शन मिक्सचर स्टार्टिंग आइदर विद एच टू और डी टू रीच इक्विलिब्रियम विद सेम कंपोजिशन. तो जो इस एक्सेप्ट द डी टू एंड एन डी थ्री आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ एच टू एंड अमोनिया. तो आप इसका रेडियो एक्टिव भी ले सकते हो, हाइड्रोजन का सेम आएगा बट उसमें प्रोडक्ट जो है चेंज हो जाएगा. आफ्टर इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा दीज टू मिक्सचर जो आ जाते हैं जो आपके पास आए हैं यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया डी टू एन टू एन डी थ्री आर मिक्स टुगेदर एंड लेफ्ट फॉर ए वाइल लेटर व्हेन दिस मिक्सचर इज एनालाइज. जब इस मिक्सचर को एनालाइज करोगे तो आपको पता चला डैट द कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया इज जस्ट एज सेम बिफोर. हाउएवर व्हेन द मिक्सचर इज एनालाइज बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर इट इज़ फाउंड डैट अमोनिया एंड ऑल ड्यूटेरियम कंटेनिंग फॉर्म ऑफ अमोनिया जो है एंड डाई हाइड्रोजन है एंड इट्स ड्यूटेरेट फॉर्म जो है इसकी आर प्रेजेंट. ये आपको मिल जाती है, यानी रेडियो एक्टिविटी आगे फैल जाती है. सो दिस वन कैन कंक्लूड डैट द स्क्रैम्बलिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम एटम इन द मॉलिक्यूल मस्ट रिजल्ट फ्रॉम कंटिन्यूशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन द मिक्सचर. तो मिक्सचर में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूज रही होगी, इसलिए रेडियो एक्टिव भी बन गए हैं. विद द रिएक्शन हैड सिंपली स्टॉप्ड व्हेन दे रीच इक्विलिब्रियम देयर वुड वी हैव बीन नो मिक्सिंग ऑफ आइसोटोप इन दिस वे. सो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, चली रहती है, यानी इक्विलिब्रियम डायनेमिक रहता है. अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड रुक गई होगी तो आपको रेडियो एक्टिव नहीं मिलना चाहिए, पर यहाँ मिलता है. यूज़ ऑफ आइसोटोप ड्यूटेरियम इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंडिकेट कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी जो केमिकल रिएक्शन है रीच करती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो है इक्वल होते हैं, देर इज़ नो नेट चेंज इन द कंपोजिशन. सो ये देख सकते हो यहाँ पे इसका ग्राफ है, टाइम के साथ
एंड मोलर कंसंट्रेशन भी दिखाई हुई है। जे डाई नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, जे डाई हाइड्रोजन डाई नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, फिर अमोनिया बन रहा है। टाइम के साथ ये लो जा रहे हैं, जे टाइम के साथ बढ़ रहा है। सो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम बोथ साइड, वेदर बी स्टार्ट द रिएक्शन बाई टेकिंग हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड गेट अमोनिया, और बाई टेकिंग अमोनिया एंड डिकम्पोजिंग इन टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यानी प्रोडक्ट भी ले सकते हो रिएक्टम, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सिमिलरली कंसिडर करेंगे रिएक्शन हाइड्रोजन एंड आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड, इफ वी स्टार्ट द इक्वल इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है विद फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड डिक्रीज बाइल विद एच आई इनक्रीज, यानी फॉरवर्ड में एच आई इनक्रीज करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड डिक्रीज करेगा। सो वी कैन ऑल्सो स्टार्ट हाइड्रोजन आयोडाइड अलोन एंड मेक द रिएक्टेंट, जे भी बन सकते हैं। तो ये सिमिलर यहाँ पर अप्लाई होता है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके पास है हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन ये धीरे धीरे रिएक्टेंट जा रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। यानी अगर आप आगे से शुरू करोगे तो आपको इसका लेवल इंक्रीज करेगा, पीछे से शुरू करोगे तो प्रोडक्ट का लेवल बढ़ेगा। आगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इसमें इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, इसको इक्विलिब्रियम मिक्सचर का नाम देते हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल एड्रेस ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड हाउ कैन बी डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये हम कैसे देख सकते हैं, व्हाट फैक्टर कैन बी एक्सप्लोइटेड टू अल्टर द कंपोजिशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, किससे हम अल्टर कर सकते हैं, क्या फैक्टर चेंज करके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन ए पर्टिकुलर इज इंपॉर्टेंट व्हेन चूजिंग द कंडीशन फॉर सिंथेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल सच एज हाइड्रोजन अमोनिया कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैसे हम इसको बनाएंगे। सो क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर जो हैं इक्वेशन से देख सकते हो, जैसे कोई इक्वेशन दी है ए बी से सी डी बन रहा है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है इसमें सी डी आ गया प्रोडक्ट, ए बी नीचे आ गया, तो यहाँ पे के सी एस को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, एंड द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ये आपका बन गया है। एंड द इक्वेशंस जो है इक्विलिब्रियम की, इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन से भी देख सकते हैं, बिकॉज अर्ली डेज केमिस्ट्री कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास का भी नाम देते थे। सो इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट देयर वर्क बेटर लेट अस कंसिडर द रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन से आयोडीन बन रही है, हमने 1 मोल हाइड्रोजन ली, 1 मोल आयोडीन ली, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बन गया। तो फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे जो 6 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं बेरिंग कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोजन आयोडीन गैसेस में सील्ड रिएक्शन वेसल में। फर्स्ट 4 एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4 नीचे एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं, वो दिखा दूंगा। तो इसमें एक्सपेरिमेंट जो 1 से 4 हैं परफॉर्म टेकिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन एंड हाइड्रोजन, तो इससे आपको ऑब्जर्व किया आपको पर्पल कलर कैसे आया, रिमेन कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम अटेन। सिमिलरली 5-6 रिएक्शंस हैं, ये भी देखे गए थे। सो डाटा जो ऑब्टेन किया गया यहाँ टेबल में लिखा गया है, सो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4 डैट द नंबर ऑफ मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन रिएक्टेड डैट इज़ द नंबर ऑफ द आयोडीन रिएक्टेड डैट इज़ द 1/2 नंबर ऑफ मोल ऑफ एच आई फॉन्ड। ऑल्सो एक्सपेरिमेंट 5, 6 इंडिकेट कर देता है डैट H2 गैस से आयोडीन गैस बन रही है। नोइंग द अबव फैक्ट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो सेवरल कॉम्बिनेशन कैन बी ट्राइड, यानी कई कॉम्बिनेशन में रिएक्शंस हो जाती है, यानी इक्विलिब्रियम को कई सेटअप में देखना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडीन की, एच आई क्या है, इक्विलिब्रियम में क्या है, तो ये 6 तरह के एक्सपेरिमेंट सेटअप है। तो यहाँ से एक्सप्रेशन है इन्वॉल्विंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडीन से, तो ये इसका अलग अलग आया है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग अलग इसमें आई है। सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है हाइड्रोजन आयोडाइड जो है अपॉन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस है, तो ये बना है। वी फाइंड एट द एक्सप्रेशन गिव द कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसमें वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही है। सो इन ऑल 6 केसेस इट कैन बी सीन डैट इन दिस एक्सप्रेशन द पावर ऑफ द कंसनट्रेशन फॉर रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आर एक्चुअली द स्टिक्योमेट्री कोएफिशिएंट है इन द इक्वेशन, एंड सो द जो रिएक्शन है H2 एंड I2 से 2HI बने। नोइंग द 7.1 जो इक्वेशंस दी हुई है पीछे दिखा दी आपको मैंने, दोबारा देख लीजिए,
ये आपकी 7.1 इक्वेशन है, तो इससे आपको क्या कर सकते हो फिर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इससे ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका जो 2 आ गया उसको स्केयर लिख देंगे। जनरली सबस्ट्रिक्ट जो ई को यूज़ किया जाता है फॉर इक्विलिब्रियम, इट इज़ ओमिटेड फ्रॉम द कंसंट्रेशन टर्म। तो इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड डैट द कंसंट्रेशन इन द एक्सप्रेशन फॉर के सी यू, ऐसे आप लिखोगे। सो इसमें एट द गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट रेज टू द रिस्पेक्टिव स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू देयर इंडिविजुअल स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैज कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपको जो पावर है वो आप रेज करते हो, जितनी स्टिकियोमेट्री पावर है, जहाँ आपको कई बार डिवाइड करना पड़ता है बैलेंस बनाने में। तो यहाँ ड्राइव करने के लिए देख सकते हो कोई रिएक्शंस है ए बी सी डी, ए बी सी डी उसके स्टिकियोमेट्री के एक्सप्रेशंस हैं। तो ऐसे इसको लिखोगे उसके ऊपर पावर आ जाएंगी। तो इक्विलिब्रियम जैसे ये है, इसमें आपने करना है, तो इसमें आपके पास एन हो इसके 4 आ गया, हाइड्रोजन के 6 है पर 6 आ गया, अमोनिया के 4 आ गया, ऑक्सीजन के 5 आ गया। सो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज इज इंडिकेटेड बाई इन क्लोजिंग दीज इन स्केयर ब्रैकेट, स्केयर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हो। एंड इट इज़ इम्प्लाइड डैट देर आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हैं, ठीक है ना। सो द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम फॉर द फॉरवर्ड। तो रिवर्स आ जाता है के सी एफ इक्वल टू 1 बाय के सी बैक, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। सो काफ़ी रिएक्शंस हैं, इतना जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। सो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, इसको होमोजीनियस कहते हैं। तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसीय सिस्टम, तो इसमें आपको पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी इक्वल टू आ गया एन पॉन बी आर टी आ गया। तो ये यूज़ करोगे यहाँ पे, टेम्परेचर केल्विन में रखोगे, एन पॉन बी जो है इसको मोल पर मीटर क्यूब से आ गया। तो यहाँ पे इफ़ द कंसंट्रेशन सी यूज़ करोगे, पी बी आ गया सी आर टी, तो इसको आप लिख सकते हो, गैस कांस्टेंट पुट कर दिया। तो जैसे ये इक्वेशन है हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने की, ये बन गया यहाँ पे, तो इसमें पी इसका आपने साथ में प्रेशर रख दिया। तो अलग अलग फॉर्म में ऐसे इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो अमोनिया बनाने के लिए भी ऐसे आप इसको लिखोगे, साथ में इसका गैस कांस्टेंट साथ में चलेगा। तो इक्वेशंस जो हैं आपकी डैट विल बी यूटिलाइज पी बी इक्वल टू सी आर टी, तो पी क्या आ गया गैस आर टी, तो गैस जो है इसको लिख देना है, साथ में आर टी लिख देना है। तो ऐसे आप लिखोगे, जैसे ये हमने लिखा है, ये गैस है एच आई, साथ आर टी आ गया, आयोडीन है आर टी आ गया, तो ऐसे आप इसको लिख दोगे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया है, तो के सी इक्वल टू आ गया आर टी माइनस 2, इसको सोल्व करके, ठीक है। तो के पी इक्वल टू के सी आर टी 2, तो ऐसे आ गया। सिमिलरली ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें भी आप ऐसे देख सकते हो, जैसे के पी है, ये वैल्यू है प्रोपोर्शनैलिटी कोफिशेंट है इसमें कांस्टेंट प्रेशर का, तो इसमें प्रेशर के हिसाब से लिखोगे इसकी पी सी सी पी 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 डी, तो इसके ऊपर ऐसे डालोगे टर्म्स को, तो आर टी दोनों का ऐड हो जाएगा सी प्लस टी, यहाँ ए प्लस डी आ जाएगा, तो आ जाएगा सी प्लस डी माइनस ए डी, तो इसकी वैल्यू जो सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी डी एन आ जाएगा, के सी आ गया आर टी डी एन। सो जो डेल्टा एन या डी एन है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इन माइनस द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसे बैलेंस इक्वेशन में देख सकते हो। प्रेशर है 1 पास कर लेते हो, तो ये यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, टेम्परेचर और इसका जो कॉफिशेंट है इक्विलिब्रियम का, ऐसे आ जाता है। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। पी फॉर द प्रेशर है, सी फॉर द कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्रेशर की फॉर्म में भी। आगे आता है आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, इसमें अलग अलग होती है, जहाँ तो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, जैसे वाटर लिक्विड से वाटर गैस बन रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉलिड है, कैल्शियम एक्वस है, ओएच एक्वस है। जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, इसमें प्योर सॉलिड और लिक्विड है। वी कैन सिंपली इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द हेट्रोजीनियस इन्वॉल्विंग द प्योर लिक्विड और द प्योर सॉलिड, तो इसमें भी मोलर कंसंट्रेशन का ही यूज़ चलेगा। तो के पी जैसे आपने यूज़ किया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करो या प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। के सी कंसंट्रेशन के हिसाब से, जैसे ये बन रहा है यहाँ पे आएगा अमोनियम
निकल कार्बोनाइल बन गया और इसके नीचे आ गया इसका रिएक्टेंट, तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ये गैसेस गैसेस का लिख दिया आपने कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो इसमें गैसेस सॉलिड को आपने छोड़ दिया। तो ये आपका है जैसे सिल्वर नाइट्रेट एक्वस है, हाइड्रोजन है जो नाइट्रिक एसिड, ये भी एक्वस है। एक्वस एक्वस लोगे सेम फेज को ही आप कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे आगे आता है एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके क्या फ़ायदे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू एप्लीकेबल है ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट हैव अटेंड कांस्टेंट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन से ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग ए यूनिक वैल्यू फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन। सो हुज इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द इक्वेशन फॉर ओरिजिनल रिएक्शन बाय ए स्मॉल इंटीजर। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो इससे आप प्रडिक्ट करोगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू प्रडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड टू प्रडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन हैं, तो हम आगे करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इतना ये ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। थैंक यू। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फ़ायदा है। फर्स्ट है प्रडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शंस कितनी आगे जाती है या नहीं जाती, ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जो के पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो उसी हिसाब से जैसे हम देखें के सी की वैल्यू अगर 10^3 से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट कर रहा है रिएक्टेंट से, यानी इफ़ द के सी की वैल्यू लार्ज है रिएक्शन आगे जाएगी, कंप्लीशन हो जाएगी। यहाँ लिखी हुई है हाइड्रोजन की रिएक्शन विद ऑक्सीजन से 500 केल्विन पे है, वेरी लार्ज है, इसका कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आगे जाती है। और इसमें भी कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग है ये रिएक्शंस प्रीडोमिनेंटली हो सकती हैं। यहाँ पे अगर वैल्यू 3^10^3 से कम है तो रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट है, तो ये रिएक्शंस बहुत नेग्लिजिबली होती हैं और बहुत कम चलती हैं, नॉर्मली ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती। यानी जो कांस्टेंट है जो उसकी वैल्यू जो है के सी की अगर ज़्यादा होगी तो रिएक्शंस आगे जाएंगी, अगर कम होगी तो नहीं जाएंगी। जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनना, इसकी वैल्यू माइनस में है तो बहुत पीछे जाती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से NO बनना, इसका भी इक्विलिब्रियम बहुत माइनस है। तो ये फर्स्ट आपको पता चल गया कि जितनी K की वैल्यू ज़्यादा होगी पॉजिटिव में उतनी रिएक्शन आगे जाएगी, जितनी नेगेटिव होगी उतनी पीछे जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, याद कर लेना, यहाँ पे डिपेंडेंस ऑन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द के सी, ये नेग्लिजिबल है, ये लार्ज है, पीछे जाएंगे तो नेग्लिजिबल रिएक्शन जाएगी, 3 आगे जाएगी तो ज़्यादा होगी। तो 10^2 जो है उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये इफेक्ट करता है। प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन, तो इसमें आपके लिए जो रिएक्शन क्यूशेंट है क्यू, डैट इज़ क्यू सी विद द मोलर कंसंट्रेशन के हिसाब से एंड क्यू पी विद द पार्शियल प्रेशर। तो के सी भी आपका मोलर कंसंट्रेशन है, के पी है पार्शियल प्रेशर, ये आपने याद कर लेना है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइंड एज इन द सेम वे डैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू सी इज़ नॉट नेसेसरी अभी इक्विलिब्रियम वैल्यू। क्यू जो आपका क्वेश्चन है जो इक्विलिब्रियम के साथ नहीं चलता वैसे, तो इसको आपने निकालना है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही करोगे। अगर आपका जो क्वेश्चन है क्यू सी आपका कंसंट्रेशन के हिसाब से के सी से ज़्यादा आ रहा है तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट, पीछे जाएगी। अगर क्यू सी अगर पीछे आ रहा है तो रिएक्शन आगे जाएगी। यानी जो आपका क्वेश्चन है एंड कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू वाइस वर्सा चलती है, ये भी याद कर लेना है। अगर आपका जो क्वेश्चन है के सी मिक्सचर है इज रेडली इक्विलिब्रियम कंसीडर, जैसे ये आप करोगे तो आपको मोलर कंसंट्रेशन इनकी दी हुई है, इट मीन डैट द कंसंट्रेशन वाज मेजर एट द सेम आर्बिट्री विद टेम्परेचर नॉट नेसेसरी इक्विलिब्रियम। सो द रिएक्शन इक्वेशन जो है एट दिस स्टेज जो है ऐसे आप करोगे, तो यहाँ पे क्यू सी ये आया, कॉन्स्टेंट आपका जे 57 आया। सो द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड HI इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, सो डैट इट इज़ मोर हाइड्रोजन एंड आयोडीन विल रिएक्ट टू फॉर्म द मोर हाइड्रोजन आयोडाइन एंड देयर कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। यानी यहाँ पे क्यू सी की वैल्यू कम है और कॉन्स्टेंट की विले ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन आगे जाएगी।
सो रिएक्शंस जो क्वेश्चन है क्यूसी इज यूजफुल इन प्रडिक्टिंग द डायरेक्शन। सो इससे डायरेक्शन पता चल जाएंगी कि ज़्यादा रिएक्शन रिएक्टेंट की फॉर्म में आएगा या प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ देख सकते हो रिएक्टेंट है आपके पास, क्यूसी कम है प्रोडक्ट बनेगा, बराबर है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में होंगे, क्यूसी ज़्यादा है तो रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हो, ये बहुत यूज़फुल आपके पास लिए क्लूज़ हैं ये। आगे कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले तो आपने बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। अंडर द बैलेंस इक्वेशन मेक ए टेबल डैट लिस्ट देयर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व, फिर में कौन सा सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसका टेबल बना लीजिए। इनिशियल कंसंट्रेशन लिखिए, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ गोइंग इक्विलिब्रियम वो भी लिखिए, फिर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखिए। उसके बाद स्टेप थ्री, सब्सिट्यूट करिए द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन विद इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर एक्शन एंड सॉल्व करिए एक्स की वैल्यू जो आपको पता नहीं है। तो उसके बाद कैलकुलेट करिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फ्रॉम कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद है चेक द रिजल्ट, फिर इसको यूज़ करिए। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू एंड गिब्स एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों का काफ़ी ज़्यादा रोल है। द वैल्यू ऑफ के सी फॉर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउएवर जैसे आपने पढ़ा है तो ये थर्मोडाइनमिक्स में रिलेटेड है। जो गिब्स एनर्जी है डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है तो आगे जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इंस्टेड ए रिवर्स रिएक्शन सो वुड हैव ए नेगेटिव वैल्यू, सो द प्रोडक्ट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन शैल कन्वर्टेड इंटू रिएक्टेंट। अगर जीरो है तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आ रही है, ये आपने याद कर लेना है। मैथमेटिक एक्सप्रेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉग क्यू, तो यहाँ पे डेल्टा जी नोट जो है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है। इक्विलिब्रियम में जब डेल्टा जी जीरो है, क्वेशन जो के सी के इक्वल है, तो जी आ जाएगा डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉग इन के इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा जी जो स्टैंडर्ड है इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के, जो करवा चुका हूँ कल आपको, तो लॉग के आएगा माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी, तो इसका एंटी लॉग आपने ले लिया। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो हैंस यूजिंग द इक्वेशन जो आपको आ गई है, तो आप रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास डेल्टा जी जीरो से कम है तो ये जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ज़्यादा आएगी, कि ग्रेटर देन वन आएगा, इसका मीनिंग है जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन जो है आगे जाएगी। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है के की माइनस आएगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, इसके हम श्योरली न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ये आप इसको याद कर लीजिए। आगे है कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। सो इन ऑर्डर टू डिसाइड, तो आपको एक क्वालिटेटिव प्रेडिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको ली चिट्रियल प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आपको मैं डिटेल में ट्यूटोरियल ग्रेजुएशन लेवल का दे चुका हूँ। तो इसका कहता है, कहना चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर डैट डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए सिस्टम विल कोज द सिस्टम टू चेंज इन सच ए मैनर डैट सो टू रिड्यूस और टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज, यानी जो आपकी एक चेंज बढ़ती है दूसरी चेंज उसको नेगलेक्ट कर देती है। तो दिस इज़ एप्लीकेबल टू फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम एंड वी शैल नॉट डिस्कस द फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम। सो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है चेंज इन द कंसंट्रेशन, तो ली चिट्रियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन का भी मैं करवा चुका हूँ। सो कंसंट्रेशन जो स्ट्रेस है ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है यहाँ रिलीव्ड है बाय नेट रिएक्शन, पता चल जाता है फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड। कंसंट्रेशन जो स्ट्रेस होता है रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट निकालना पड़ता है प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ये स्ट्रेस में भी होता है। एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज चेंज द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंज सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये ली चिट्रियल प्रिंसिपल है। यानी अगर कोई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कम करेंगे तो जो चेंज आती है वो उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल कर देती है। तो इसको समझाने के लिए ये बता सकता हूँ, जैसे आप एडिशन कर रहे हो हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम में, तो आपके पास यो क्यूसी की यो वैल्यू है क्वेशेंट यो है लेस हो जाएगा एंड देन द के। इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम अगेन द रिएक्शन मूव फॉरवर्ड एंड द फॉरवर्ड सिमिलरली वी कैन से डैट द रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो बूस्ट, यानी कई बार रिएक्शन जो हुई है इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो अकोमोलेट कर देता है और रिएक्शन को वहाँ हाल्टर कर देता है, इसलिए आपको प्रोडक्ट हटाना पड़ता है।
तो प्रोडक्ट धीरे धीरे जैसे हटाते जाओगे रिएक्शन आगे चलती जाएगी। तो इसका इफ़ेक्ट आपको ये मैं करवाया था मैंने कंसंट्रेशन का, जैसे Fe3 है एंड थायोसाइनेट आयन है, तो इसमें डीप रेड कलर बनता है। तो इसमें KC की इक्वेशन लिख ली है, तो इसमें जितना ज़्यादा रेड कलर बनता है इसका मीनिंग है उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है। ये लिटरेचर प्रिंसिपल है, तो उसकी ये एप्लीकेशन ही हैं। तो रेड कलर अपीयर होता है उन एडिंग टू ड्रॉप ऑफ 0.002 मोलर पोटाशियम थायोसाइनाइड सोल्यूशन टू 1 ml ऑफ 2 मोलर आयरन 3 नाइट्रेट सोल्यूशन। सो इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर जो है कॉन्स्टेंट अल्टरिंग द इक्विलिब्रियम, सो दिस इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड आइदर फॉरवर्ड और रिवर्स। यानी अगर शिफ्ट आगे कर रहा है, यानी ज़्यादा रेड कलर आ रहा है तो रिएक्शन आगे जा रही है, अगर डीप येलो कलर आ रहा है तो पीछे जा रही है। जैसे आपके पास है ऑक्जैलिक एसिड है रिएक्ट विद Fe3 टू फॉर्म द स्टेबल कम्प्लेक्स, सो दैट डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ Fe3। तो लिटरेचर प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट इज कंसनट्रेशन स्ट्रेस ऑफ द फॉरवर्ड Fe3 इज रिवील्ड बाय डेजोल्यूशन ऑफ ये जो कम्प्लेक्स है फेरोस थायोसाइनाइड एंड रिप्लेनिश द Fe3 आयन, बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ दिस जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स डिक्रीज एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस कलर डिक्रीज। यानी अगर हम आपको ऑक्सैलेट ऐड करेंगे तो कलर कम होगा, थायोसाइनाइड जो बनेगा उससे कलर आपका ज़्यादा बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एज द प्रेशर चेंज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द वॉल्यूम कैन अफेक्ट यील्ड प्रोडक्ट इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट में प्रेशर का ज़्यादा रोल है। तो लिटरेचर प्रिंसिपल आपको देता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में, दैट इज प्रेशर का इफेक्ट जो है चेंज ऑन सॉलिड और लिक्विड कैन बी इग्नोर बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड लिक्विड नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो आपका जो सॉलिड लिक्विड है उसमें प्रेशर नहीं काम करता इतना ज़्यादा, अगर आपका गैसी है तो उसमें काम करेगा। जहाँ पे 4 मोलर ऑफ गैस रिएक्टेंट लिया हुआ है, ये 3 है 1 है एंड 2 मोल बन रहे हैं 1 एंड 1, सपोज दैट इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है इसमें कैप्ट इन द सिलेंडर फिटेड इन द पिस्टन, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो इन 1/2 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू वॉल्यूम इसका चेंज हो गया, द टोटल प्रेशर बिल डबल हो जाएगा क्योंकि प्रेशर से वॉल्यूम का सीधा चलता है। एंड द पार्शियल प्रेशर एंड द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव चेंज एंड द मिक्सचर जो है इज नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम, सो द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन गोज टू री एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम कैन बी प्रेडिक्टेड बाय लिटरेचर प्रिंसिपल। जैसे प्रेशर आपका डबल हुआ है तो इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड एंड ए डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिक्रीज करते हैं, वी नोट द प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल एंड दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाई यूजिंग द रिएक्शन क्वेश्चन QC। तो इसमें कैन बी मोलर कंसनट्रेशन एट इक्विलिब्रियम फॉर मिथेनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इसका आप यहाँ QC ऐसे निकाल सकते हो। जैसे QC यहाँ KC कम है तो रिएक्शन जो आगे जाएगी, तो ये जो रिएक्शन है जो प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में जाती है क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो है इसमें इंक्रीज करते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये प्रेशर का है। उसके पास है गैस ऐड कर दिया आपने नट गैस, तो अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो आप नट गैस ऐड की है जैसे ऑर्गन है तो वॉल्यूम चेंज ना हो। इट इज़ बिकॉज दैट एडिशन ऑफ नट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर, तो इसमें पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो रिएक्शन क्वेशेंट जो है चेंज ओनली इफ एडेड गैस हैज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, अगर वो कर रही है कुछ इफेक्ट तो क्वेशेंट तभी चेंज होगा, इनर्ट गैस का ऐसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर का ऑलरेडी करवा चुका हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इन जनरल द टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्विलिब्रियम डिपेंड ऑन द साइन डेल्टा एच, तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच नेगेटिव है इंक्रीज बढ़ता है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है डिक्रीज करता है। तो ये रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है, तो आपको करवा ही चुका हूँ मैं, वैसे भी कई बार किया है। 10 डिग्री राइज करें टेम्परेचर तो रिएक्शन डबल हो जाती है। टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, पढ़ सकते हो उसमें, मैं ऑलरेडी ये करवा ही चुका हूँ, उसमें करना हो तो कर लीजिए नहीं तो छोड़ भी सकते इसको। जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है NO2 से N2O4 बनने का, जैसे बीकर को फिल्ड किया विच फ्रीजिंग मिक्सचर एट 270, फिर रूम टेम्परेचर पे आया, फिर 300 ट्रेंड पे आया, तो क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट बने। तो टेम्परेचर रिएक्शन करवाने में इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को आप देख सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, जैसे ये कोबाल्ट एक्वस ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है हमारे पास,
और इसमें ये पिंक है, कलरलेस ब्लू है, एट रूम टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मिक्सचर ब्लू कलर का है, जब इसको कूल्ड किया फ्रीजिंग में कलर जो है इसका पिंकिश हो जाता है। तो ये टेम्परेचर का फैक्ट है, यानी कई बार टेम्परेचर कम रिएक्शन में यूज़ होता है, कई बार ज़्यादा होता है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर की ज़रूरत कम पड़ेगी, एंडोथर्मिक में ज़्यादा पड़ेगी। कैटलिस्ट का नो डाउट हम कर चुके हैं, कैटलिस्ट में आपको पता ही है क्या करते हैं, मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल दे चुका हूँ। एक अल्टरनेटिव पाथवे दे देते हैं जिससे आप रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है और रिएक्शन जल्दी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हम्बल पार्टिसिपेशन एंड यू हैव वेल अंडरस्टूड द टुडेज पार्ट वन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, हमने जो आज किया है उसका जो कंक्लूसिव है एंड में आपको बता रहा हूँ, तो कंक्लूजन आपको मैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे ये एग्जांपल है हाइड्रोजन एंड आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है यहाँ पे HI, तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं एंड KC इक्वल टू RT ΔN, ये भी रिलेशन याद करने वाला है। एंड प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में भी हम इसको निकाल सकते हैं, और हमने रोल ऑफ क्यूशेंट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका हमने किया है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम प्रडिक्ट कैसे कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड या रही है या बैकवर्ड, और जो क्वेशेंट है रिएक्शन क्वेशेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये कैसे एक दूसरे के इन्वर्सली वेरी करते हैं, विद एग्जाम्पल आपको सारा अंडरस्टूड करवा दिया है। और गिब्स एनर्जी का क्या रिलेशन है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी विद रिलेशन टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के आने के ऐसे ट्रिक्स हैं और ऐसे आप इनको याद कर सकते हो, एंड ये आपको जो मैंने फार्मूलाज बताए हैं ये आपने नोट कर लेने, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल सेशन भी हमने कवर करना है। और लीच-ट्रियर प्रिंसिपल एंड में मैंने ऑलरेडी आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड करवाया था, उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहाँ से आप इसको लाइव वीडियो में से लिंक को क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो फॉर योर कन्फ्यूज़न क्लियरेंस। तो ऐसे ही हम कल जो इसका पार्ट वन रहता है उसमें एसिड बेस के बारे में कवर करेंगे, रिहिनियस एसिड बेस का कंसेप्ट जो है, लोरी ब्रोंसेट जो एसिड बेस हैं वो हम कवर करेंगे, एंड उसके बाद हम इसका जो ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल वो भी रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड पार्ट वन को अच्छे से समझने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा ताकि फ्रेंड्स को और हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे पॉजिटिव इन योर लाइफ। थैंक यू।